खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। महू तहसील के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट एवं कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर सहित इंदौर डीएम मनीष सिंह एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीण दौरे पर निकले। गांव में बढ़ती कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रशासनिक अफसरों के साथ ही मंत्री भी गाँव का दौरा कर रहे हैं। इसी के तहत आज ग्राम पंचायत गवली पलासिया कोदारी मनलेंडी कटकट खेड़ी आबाद चंदन एवं सिमरोल का दौरा कर ग्रामीणों को समझाइश दी गई। प्रशासन की गाइडलाइन का पालन किया जाए ताकि ग्रामीणों को क्षेत्र से इस महामारी की चेन टूट सके। तहसील के विभिन्न ग्रामों में कोरोना महामारी जमकर फैल रही है, इसकी रोकथाम व व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर तथा प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह आज ग्राम कोदरिया पहुंचे। यहां पर उन्होंने सरपंच व भाजपा के अन्य प्रतिनिधियों से चर्चा की और ग्राम वासियों को संदेश दिया कि उन्हें संक्रमण होने के जरा भी लक्षण का एहसास हो तो वो स्वयं ही आइसोलेशन सेंटर में पहुंचे। इसके बाद तहसील के अन्य ग्रामों में भी पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्र में जो संक्रमण फैल रहा है उसको तोड़ने के लिए ही आज पूरी शासन प्रशासन की टोली गांव-गांव के लिए निकली है और लोगों से यही प्रार्थना करने निकली है कि कोरोना से घबराइए मत, सजग और सतर्क रह के पहले दिन से इसका इलाज प्रारंभ कर दीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप जो पंचायत का आइसोलेशन सेंटर है वहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ रुके, अभी हम देख कर आए वहाँ कोई नहीं है, तो सबसे यही आग्रह है कि आपको यहाँ नहीं रुकना तो राधा स्वामी में सर्व सुविधा युक्त आप वहाँ पहुँच जाइए, पर रहिए आप आइसोलेशन। जिनके बड़े घर परिवार है उनको घर पे अनुमति दी हुई होम आइसोलेशन की, और जिनको घर छोटा है उनको आग्रह कर रहे हैं, और हमारे सारे जनप्रतिनिधियों को हमने जिम्मेदारी सौंपी है, संगठन के कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं को, कि घर घर जाके चिन्हित कीजिए, कोई एक व्यक्ति भी संक्रमित घर में ना रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये सजगता कोरोना से मुक्ति दिलाएगी कि इस भय से ही तो मुक्त करना है। आपका, मेरा, हमारी पूरी टोली का यही काम है कि इस भय से हम नागरिकों को मुक्त करें कि राधा स्वामी आपको स्वस्थ करने के लिए बनाया गया केंद्र है, कोई सजा यातना का केंद्र नहीं है। वहाँ समय से भोजन है, डॉक्टर की निगरानी है, चाय नाश्ता दूध है, योगासन की सारी चिंता की जा रही है। तो इतने सर्व सुविधायुक्त केंद्र में यदि आप आएंगे, पहले दिन से आप आ गए, तो आप यकीन मानिए कि पांचवें दिन आप स्वस्थ होकर घर पहुँच जाएंगे। की जनता से करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि इस चेन को तोड़ने में वो सहायक बने। यदि आसपास कोई सूचना मिलती है घर में किसी के भी सर्दी बुखार से पीड़ित होने की, तो उसको प्राथमिक उपचार के लिए जो हमारी टोली पंचायतवार घूम रही है उससे मेडिकल किट उपलब्ध कराए, उसके बाद भी यदि राहत महसूस नहीं करता तुरंत दवाएं देकर उसको आइसोलेशन में भेजे। लेंडी जाएंगे, इसके बाद भगवत खेड़ी जाएंगे और फिर सिमरोल जाएंगे। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।